हेलो एवरी वेलकम टू गेदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं डीमैट टू डीमैट ट्रांसफर के लिए लेकिन क्योंकि आप सबसे बोला था कि आपको जानना है उसका ऑनलाइन प्रोसीजर तो तो ये वीडियो खास और तक उन्हीं लोगों के लिए है तो इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि वन से दूसरी में ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं एंड दैट टू टू वेरी इससे पहले नॉट यूज द कूपन कोड विंटर जहां पर आपको मिलेगा फोर्टी परसेंट का डिस्काउंट हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज पर और साथ ही साथ क्योंकि विंटर है तो एक फ्री हुडी भी मिलेगी तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो सबसे पहले जब हमें एक डीमार्ट अकाउंट से दूसरे डीमार्ट अकाउंट में ये जो ट्रांसफर करना है ना उसके लिए हमें एक ईजी अकाउंट बनाना है विच इज ई एस आई तो हम सबसे पहले जाएंगे सी डी एस एल की वेबसाइट पर आपको साथ के साथ स्क्रीन में पूरी इंस्ट्रक्शन के साथ वो चीजें दिखेंगी जब आप सीबीएसएल की साइट पे जाओगे तो वहां पे क्विक लिंक्स में आपको ये दिखेगा लॉग इन टू माई इजी अकाउंट तो आप वहां पे क्लिक करेंगे जैसे ही आप वहां पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू स्क्रीन आएगी जहां पर वो आपको पूछेगा टू रजिस्टर फॉर इजी टू रजिस्टर फॉर इजीएस्ट तो आप सबसे पहले टू रजिस्टर फॉर इजी पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने एक स्क्रीन आएगी जिसमें आपको आपकी बी ओ आई डी डालनी है बी ओ आई डी आपको आपके ब्रोकर से मिलेगी तो जब आप अपने ब्रोकर के उस ऑनलाइन अकाउंट पे जाएंगे जहां पे आपकी प्रोफाइल बनी हुई है वहां पे आपको आपका इजीली एक डी का जो बी ओ

जिससे कि आपको सारी वो चीज़ें डिटेल्स याद रहे वो सारी ही चीज़ें आप अपने अकाउंट डिटेल्स में डाल दोगे उसके बाद ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस स्टेप में क्या होगा ना बहुत सारी यू नो डिपेंडिंग अपॉन हर पर्सन का कितने डी मार्ट अकाउंट्स हैं तो ये चीज़ें बहुत डिफरेंट हो सकती हैं तो अगर आप ऐसे इंसान हैं जिसके पास बहुत सारे एक ही पैन पे बहुत सारे डी मार्ट अकाउंट्स हैं जो कि सी डी एस एल के साथ रजिस्टर्ड हैं तो उन सबकी ही लिस्ट जैसे इस केस में आपको यहाँ पे बनी हुई दिख जाएगी अगर आपके पास एक ही मतलब अगर आप मान लो कि आपको जीरोधा से ग्रो में जाना है और दोनों ही सीडीएसएल रजिस्टर्ड है तो एटलीस्ट आपको वो दो अकाउंट्स तो यहाँ पर दिखेंगे ही दिखेंगे सो दैट वो ट्रांसफर कंप्लीट हो सके तो आपने किस पे क्लिक करना है आपने उस पे क्लिक करना है जहां पर आप ट्रांसफर करना चाहते हो अब हम इस केस में हाइपथेटिकली मानकर चलते हैं कि आपको आपके शेयर्स ट्रांसफर करने हैं फ्रॉम ग्रो टू जीरोधा ये किसी भी ब्रोकर के लिए एडवर्टीजमेंट नहीं है जस्ट एन हाइपोटिकल एग्जाम्पल करना है इन दिस केस दैट विल बी जीरोधा अब हमने जैसे पिछली वीडियो में भी बात करी थी कि अगर मुझे किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर करने हो तो, तो उसका तो यहाँ पे आएगा नहीं अकाउंट तो वहां पर आपको एक प्लस साइन दिख रहा है ये प्लस साइन जो है इस प्लस साइन पे आपको क्या करना है क्लिक करना है और उसके जो भी पैन की डिटेल्स या जो भी डीमैट से रिलेटेड डिटेल्स है वो सब यहां फिल करनी है यानी कि इसका मतलब यह है कि जो आपको ट्रांसफर करना चाहते हो वो उस पर्टिकुलर बंदे के पैन में या फिर डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हो ये सब के बाद जो आपका इजी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा इसको एक से दो दिन लगेंगे कंप्लीट होने के लिए एंड कंप्लीट होते ही वो सबसे पहले आपको पास क्योंकि जब आपके पास वो ईमेल आएगा तो एक पासवर्ड आएगा तो सबसे पहले आपको पासवर्ड को चेंज करना है जो आपको पासवर्ड याद रहे वो फिल करना है तो जब जो भी आपके पास वो ई आएगा आपकी एक आई जनरेटेड आएगी एक पासवर्ड जनरेटेड आएगा तो जब आप उस पर लॉग इन करोगे तो यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिख जाएगा दैट यू हैव रजिस्टर्ड फॉर ईजी अकाउंट तो इजी अकाउंट से बेसिकली आप अपनी चीजें देख सकते हो कि मेरे अकाउंट में क्या क्या पड़ा है मेरे कितने डीमार्ट अकाउंट हैं जो सी से रजिस्टर्ड है मेरी कौन कौन सी सिक्योरिटीज यहाँ पे पड़ी हुई है लेकिन जो हमारा ट्रांसफर का प्रोसेस है यानी कि जो हमारा द मेन पार्ट दैट इज देयर उसके लिए बनाना पड़ेगा हमें इजीएस्ट अकाउंट क्या हम अकाउंट डायरेक्टली बना सकते हैं नहीं इजी नहींजीएस्ट अकाउंट बनाने से पहले आपको इजी अकाउंट बनाना ही पड़ेगा नाउ दैट यू आर डन विद द इजी अकाउंट अब आपको उसी स्क्रीन पर ये मिसलेनियस दिख रहा होगा जब आप इस मिसलेनियस पे क्लिक करेंगे तो वहां पे आएगा अपग्रेड बी ओ आई डी टू ईजस्ट यानी कि ईजी से ईजिएस्ट तो अब हम समझते हैं कि ईजीएस्ट का प्रोसेस क्या है तो सबसे पहले जब आपकी स्क्रीन पर आएगा तो आपको अकाउंट टाइप सेलेक्ट करना है ट्रस्टेड अकाउंट उसके बाद एड ट्रस्टेड बीओ आई डीज आपको यहाँ पर वो बी ओ आई डी डालनी है जहाँ पर आपको ट्रांसफर करना है यानी कि वो जीरोधा वाली यस yes. जीरोधा वाली जो आई डी है वो आपको यहाँ पर डालनी है जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे फिर से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओ टी पी आएगा जो आपको फिल करना है एंड उसके बाद वो आपका दिखाएगा दैट इट हैज बीन ईजिली कन्वर्टेड वंस यू पुट अप दैट नंबर फिर कन्वर्ट तो हो चुका है बट वो ऑथेंटिकेट करने के लिए अभी भी पेंडिंग है एंड उसकी ऑथेंटिकेशन को अगेन लगेंगे एक से दो दिन एंड एक यू नो यू विल रिसीव अ न्यू पासवर्ड ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जब आपके पास एक दो दिन हो गए ऑथेंटिकेशन हो गया आपको वो ई आया तो आपने उस नए पासवर्ड से लॉग इन किया आपने इजीस्ट अकाउंट में एंड दिस इज द स्क्रीन दैट विल ओपन अप इन फ्रंट ऑफ यू एंड यहाँ पे अब आपको दिखेगा दैट यू बीन रजिस्टर्ड फॉर ईजीएसट पहले हमें ईजी दिख रहा था अब हमें यहाँ पे ईजिएस्ट दिखेगा नाउ दैट वी हैव Completed अ प्रोसेस ऑफ खोल ओपनिंग this दिस uh, account. अकाउंट तो अब जो भी आपकी आई डी इन पासवर्ड आपको रजिस्टर्ड ई मेल आई डी भी मिला है सेम से ही आप फिर से लॉग इन करोगे लॉग इन करने के बाद अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है वो सारी जो भी कहते you know, हैं यू नो चीजें हैं दैट इज ऑन टू यू इफ यू वॉन्ट टू चेंज द पासवर्ड इफ इट इज ने इन एवरी थिंग ईजी और इजीएस अकाउंट में बस फर्क इतना है दट इजी अकाउंट लेट्स यू सी दैट वट थिंग्स आर देर इन अकाउंट इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस टू सिक्योरिटी ओनली द इंफॉर्मेशन एंड ईजिएस्ट का है इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस टू सिक्योरिटीज इंफॉर्मेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ सिक्योर ट्रांजेक्शन तो अब हम अपने शेयर्स को ट्रांसफर करते हैं क्योंकि हमने इजी अकाउंट भी बना लिया इजीएस्ट अकाउंट भी बना लिया तो अब हम यहाँ पे आते हैं तो उसी जो हमारा लॉगिन पेज है जहाँ पे ये रजिस्टर्ड फॉर इजीएस्ट लिखा है अब यहीं पे हमें दिख रहा है ट्रांजैक्शन इस ट्रांजैक्शन में जाके आपको सेटअप सेलेक्ट करना है जब आप सेटअप को सेलेक्ट करते हो तो उसके बाद यहां पे आपको एक बल्क सेटअप का टैब दिख रहा होगा आपको आपको इस बल्क बल्क सेटअप सेटअप के के टैब को भी करना है है बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोसेस है, उसमें आपको ये एक फॉर्म दिख रहा होगा यहाँ पे सेक्शन ए है एंड सेक्शन बी है सेक्शन ए में आपको आपके उस अकाउंट की डिटेल्स डालनी है बीओ आई डी की डिटेल्स डालनी है जहां से आपको ट्रांसफर करना है एंड बी में आपको उस बीओ आई डी की डिटेल्स को सिलेक्ट करना है जहां आप ट्रांसफर करना चाहते हो आपको याद है हमने स्टार्टिंग में वो डी मार्ट सिलेक्ट किए थे जहाँ हम ट्रांसफर करना चाहते हैं तो ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है ना यहाँ पे आपको वो दिखने लग जाएंगे सो यू हैव टू सिलेक्ट दोज कि हाँ मेरे को इस इस अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो मतलब ए में हम ग्रो की डिटेल्स डालेंगे एंड बी में हम जीरोदा की डिटेल्स डालेंगे बिकॉज वहाँ हम ट्रांसफर करना चाहते हैं इसके बाद आप इन दिस अनदर स्टेप जो भी आपका आई एस आई एन है यानी कि आप कौन कौन से शेयर्स को ट्रांसफर करना चाहते हो कुछ को करना चाहते हो सबको करना चाहते हो वो सारे ही जो है शेयर्स आप यहाँ पे जो भी आपकी करंट होल्डिंग्स हैं आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे और कितनी क्वांटिटी करना चाहते हो सारे करना चाहते हो कम करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो सिलेक्ट जब आपने एक बार यू सिलेक्टेड दी आई एस आई एन दैट यू वॉन्ट टू ट्रांसफर उसके बाद जो भी आपकी डिटेल्स होगी आई एस आई एन की वो आपको यहाँ पे फ्लैश करने लग जाएगी दिखने लग जाएगी सो so, वंस आप एक बार कंफर्म करके देख लो दैट तो वो सारी डिटेल्स ठीक है ओके क्लिक करना है अगेन यहाँ पे आपको नीचे डिटेल्स दिखने लगेंगी आपकी आई एस की इसको अगेन आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है एंड देन लास्ट में हमारे पास ऑप्शन आता है commit, कि yes, ये ये चेक बॉक्स को क्लिक करने के बाद आप इसको कमिट पे कर दोगे कि हाँ भाई ये इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को आप

एक सी डी एस एल में ही ट्रांसफर को करना हो सो ईजी अकाउंट खोलने के तरीके से आप एक ईजी मेथड से इस ट्रांजैक्शन को पूरा कर सकते हैं आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा हेल्पफुल रहा है तो लाइक करें एंड मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें अगर उनको भी अपनी डीमार ट्रांसफर करने हैं तो वो भी उनके लिए ऑनलाइन प्रोसीजर से ईजी हो जाए मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू सो मच